देखो एक झूठ ना बोलियो तो यह सकते हैं कि भगत किन दे की बोलवा आगे झूठ बोले बोले सकता है बताओ अपने अगर तुमने झूठा पाखंड जीतन लगा ने तो बेचक बंद कर जाना आज इतना आज ये कह के चल जाओ मैंने आज ही साहु से मन कर जाना अरे डर आज ने बंद करवाओ आगे बंद करवाओ सारा बोलो बंद मेरे सामने दूसरे से करा दो सारा आज मैं नवाज देना ये जी बंद कर देना ज्यादा लगाना है हमने इतने भाई जो भी चैनल पर देखते हैं सब ने मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार मैं मंदिर कमेटी से नहीं दुनिया ये बहन आई है दास आई इनसे बातचीत करती है क्या इनको दोबारा हुआ नहीं हुआ या पहली बार आए कितनी बार आई इनसे बातचीत करते हैं आप आई थी सूची पहले कहाँ से हो आप बॉम्बे से क्या नाम आपका क्या आज आए हुए इससे पहले भी आए थे आप क्या दिक्कत थी आपको दूसरे गाड़ी में मैंने नॉर्मल चेक करवा तो नॉर्मल आया डॉक्टर से भी चेक करा लिया आपका तीसरा झड़ा आज है इससे पहले दो महीने आपको ऐसे ही आए हो दर्शन करने ये पहली बार आए हैं जी वो हमारे गुरु जी के बारे में बोलते हैं कि वो वहाँ पे पाखंड है बहुत सही बात है जी इतनी पब्लिक आती है तो कुछ होता फायदा कुछ चमत्कार है तभी पैदल चल के आए खुशी की तो कमी नहीं होगी सही बात है जो मानता है सच्चे दिल से आता है उसको जी फायदा होता ही होता है और मैंने अपनी बेटी के लिए भी तो भी फायदा हुआ बंदे में हो आज मैंने वीडियो कॉल से नहीं आया मार्च क्योंकि जी जो सच्चे मन से आते हैं श्रद्धालु हर श्रद्धालु नहीं भी होता होगा लेकिन बहुत ठीक होते हैं जी ये देखो ना मैं सोच के चली थी कि मैं या मीडिया के आगे आऊँ या मैं महाराज जी से बात करूँ सही बात है वो आपके मन में भी खुशी थी हुई मैं जैसे नाम पे गई गाँव में तो बाबा जी मार बैठे मैंने जैसे भी मैंने देखा तो हंसने लगी बोले आपने पहचान लिया हम खा लिए माँ महाराज जी मेरी बहुत इच्छा थी आपसे बात करने की मैं पहले नारे में थी महाराज जी भी देखो जी क्योंकि लाखों में पब्लिक आती है एक भी चेहरा याद है तो वो भी बहुत बड़ी एक बात है छह सात बीमार किसान थी जी वो तो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी का भी जो इतनी पब्लिक ठीक कर रहे हैं ना पैसा पैसा भी नहीं लगा होगा आपका यहाँ पे कोई वो तो जी देखो जो आते हैं उसके मन है श्रद्धा से चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ गुरु जी नहीं बोलते हैं कि आप प्रसाद चढ़ाओ जी वो तो देखो श्रद्धा से है सही बात है अगर मंदिर में किसी में भी हम दर्शन करने जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं वो तो अपनी श्रद्धा है देखो जी ये बहन आई थी बॉम्बे से आई थी पहली बार में इनको छः सात बीमारी बता रही हैं और ठीक हो गई है डॉक्टर से भी इन्होंने चेक कराया तो उसमें भी इनकी बीमारी जो भी थी वो नॉर्मल रिपोर्ट आई हुई है आपका आशीर्वाद से संतुष्टि मिलेगी या कपड़ा से संतुष्टि मिलेगी या और बताओ हाँ जी आपका आशीर्वाद क्या हुआ कपड़े से आपका आशीर्वाद क्या देखो ये कपड़े का बोला है हम सारा अनुभव आपका आशीर्वाद है देखो मन में शांति करो आपने ये बात बताओ मैं अगर आप लाइन में धड़ लगवा बने तो मैं नाम तो करूंगा तो मेरा जो हूँ मैं तारा शरीर में सोचे मेरा यू रहेगा यू रहेगा यह रहेगी अगर मैं